आई एम हैविंग माई लंच. अभी लंच खा रही हूँ. ये है राइस और ये है कल का वो बासी सोयाबीन आलू का तरकारी है और ये है बंद गोभी का जो तरकारी था. और ये आज हस्बैंड ने बनाया, ये है पम्पकिन और प्रॉन, छोटे छोटे प्रॉन के साथ जो एक शार का एक तरकारी होता है ना जिसे हम टॉक बोलते हैं, ये वही वाला है. बहुत ही सुंदर है, अच्छा बनाया है. शुरू करते हैं. अभी पता है कितने बजे हैं? बाप रे 3 बजे. पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, मेरे सिर के ऊपर वो घड़ी है उधर. 3 बजे हैं. कुकी को अभी मैंने खाना दिया, उसके लिए चिकन था, उसने चिकन से खाया. और हम लोग चिकन है पर हम लोग भेज ही खाएंगे. मेरे हस्बैंड पास में बैठ के खाना खा रही है बिल्कुल चुप. मेरी डॉटर को बहुत गुस्सा है मेरे ऊपर, पता है, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो डाल शूट किया था और उसमें मैंने बोल दिया था कि मेरे डॉटर का ब्रेकअप हो गया. ये दिसंबर, कल 31 दिसंबर था, उसका ब्रेकअप हुआ 30 दिसंबर को. उसने बोला, क्यों बोला? मैंने बोला अच्छी बात है, तूने अंदर कोई गिल्ट तो नहीं है ना. उसने बोला कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि जो रिलेशन हमेशा दर्द देता है उससे पहले छुटकारा पा जाना चाहिए. देखिए दोस्तों, अगर आपको पता लगे कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो आपके लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी रिलेशन, चाहे वो शादी के बाद या शादी से पहले, सैक्रिफाइस एक बहुत बड़ा बात होता है. आपको पता है सैक्रिफाइस दोनों तरफ में होना चाहिए. अगर कोई भी रिलेशन में एक तरफा सैक्रिफाइस हो, चाहे कैसा लग रहा है मेरा इयर रिंग, ये भी एक नया इयर रिंग मैंने खरीदी है, अच्छा है ना. चाहे सॉरी वो रिलेशनशिप अगर एक तरफा हो, चाहे लड़का या चाहे लड़की, तो सही नहीं है. क्योंकि सपोज मैं कैमरा को ठीक कर दूँ, मेरा मुँह थोड़ा ज़्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है, ये नहीं है, दिख नहीं रहा है ना. चलो सपोज रिलेशनशिप में मैं ही सैक्रिफाइस कर रही हूँ. सैक्रिफाइस मतलब मेरे जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो मैं टोटली उसको छोड़ रही हूँ. मुझे जिस चीज़ से आनंद मिलता है वो मैं नहीं कर रही हूँ. मैं क्या कर रही हूँ, उनको जो पसंद है, उनके जो लाइक्स हैं, उनके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ. पर क्यों, ये कौन सा रिलेशनशिप है जिसमें तुम्हें अपना खुशी को बलिदान देना पड़े?
तो खुशी कहाँ है? तुम्हारे अंदर खुशी नहीं आएगा? जैसे कि ये तरकारी मैं खा रही हूँ, अगर ये टेस्टी है तभी तो मुझे खुशी देगा, लेकिन अगर मैं वैसे ऐसे ही खा रही हूँ पेट भरने के लिए पर वो टेस्टी नहीं है तो ये मुझे खुशी नहीं देगा और ये मैं ज़्यादा खा भी नहीं पाऊँगी, है ना? बिल्कुल। तो मैंने बोला मेरी बेटी को छोड़ दे, तुझे अभी फीलिंग्स कैसा हो रहा है ब्रेकअप होने के बाद? उसने बोली बहुत अच्छी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जिसने फोन कर करके तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रही हो, कि अरे भाई मैं बच्ची थोड़ी हूँ, प्यार कर रही हूँ, कोई माँ बाप नहीं बन गए वो तुम्हारे, फिर तुम्हारे हर चीज़ का उसको तुम्हें बोलना पड़े। अपने माँ बाप को भी हम कुछ नहीं बताते। अगर मुझे खुशी है मेरे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना तो सही बात है, करो, हमेशा उनको बोलना ज़रूरी नहीं है। तो जो तुम्हें खुशी दे वही करो, है ना? ये प्रॉन का जो टॉप बना है ना, टू गुड, यही खुशी है ना? हाँ, आनंद से खा रही हूँ, मज़े से खा रही हूँ, और ज़्यादा भी खा लूँगी। आज तो मैं जितना राइस लिया है सब खाऊँगी। नींबू का टॉप है तो नहीं है तो। अच्छा, नींबू का है। मिर्चा है, ये प्रॉन, और ये है पंकिन। बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा खट्टा है, थोड़ा थोड़ा मीठा है। अब बना के खा के देखिएगा, बहुत टेस्टी है। आपको मेरा नया हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है अब बताना, कल ही मैंने कटा है। मैं जल्दी नहीं खा पाती, थोड़ा टाइम लगता है, खुद तक ख़त्म कर लूँ फिर से आती हूँ। थोड़ा सा और लिया, पता नहीं आप लोग दिख पाए हो कि नहीं, मजा आ गया, मजा आ गया।
ऐसे ही अपनी जिंदगी को चटकदार स्पाइसी टेस्टी बनाना, और वो दोस्तों आपके हाथ में ही है।